नमस्ते दोस्तों, मैं पूनम स्वागत करती हूँ दीदी की रेसिपी में। तो आज मैं लेकर आ गई हूँ बिना गैस का केक। तो मैं कैसे केक बनाऊंगी, तो चलो रेसिपी स्टार्ट कर लेते हैं। चलो तो हेलो फ्रेंड्स, आज हम बना रहे हैं केक। तो केक बनाने के लिए यहाँ पे मैंने ओरियो बिस्किट का इस्तेमाल किया है। आप चाहे तो अपने मन पसंद का कोई भी चॉकलेट फ्लेवर का बिस्किट ले सकते हैं। तो मैंने इसे फाड़ लेती हूँ। मैंने यहाँ पे व्हाइट वाला ओरियो लिया है और कुछ मैंने चॉकलेट वाला ओरियो लिया है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं क्या करती हूँ कि इससे का क्रीम निकाल लेती हूँ, ये चॉकलेट वाला और ये व्हाइट वाला क्रीम निकाल लेना है। मैंने यहाँ क्रीम को अलग कर लिया है और बिस्किट को अब पीस लेना है। चलो पीस लेते हैं। सो मैंने यहाँ बड़े से बाउल में ये बिस्किट ले लिया। अब मैं इसमें थोड़ा थोड़ा सा दूध डाल के इसका एक मिश्रण बनाऊंगी। अच्छा सा मैं बैटर तैयार करूंगी। तो इसे दूध डाल के फेंट लेना है, थोड़ा थोड़ा ही दूध डालना है इसके अंदर। मैंने इसे घोल लिया है। तो ये देखिए किस तरह से है। और मैंने इसमें चीनी नहीं डाला है। आपको अगर ज़्यादा मीठा पसंद है तो आप चीनी डालें। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने ब्रेड लिया है और उसका मैं ब्राउन पार्ट कट कर ले रही हूँ। इसका ब्राउन पार्ट फेंकना नहीं है, इसकी हम अगली रेसिपी बनाएंगे नेक्स्ट वीडियो में। ब्रेड स्लाइसेस मैंने यहाँ पे कट कर लिए हैं। तो चलो केक बना लेते हैं। तो मैंने एक चम्मच पीसी हुई चीनी लिया है। तो इसमें थोड़ा सा पानी डाल के इसका घोल बना लेंगे हम। घोल मैंने बना लिया है, तो बढ़ते हैं। यहाँ पे मैंने एक प्लेट ले ली है। अब प्लेट के नीचे में थोड़ा सा बिस्किट का बैटर लगा दूंगी कि प्लेट में लगा दिया है। तो मैं यहाँ पे ये ब्रेड की स्लाइसेस लूंगी, कुछ इस तरह से मैं जमा कर दूंगी, यानी कि सेट कर दूंगी ताकि ये फिसले ना। मेरे यहाँ छोटी ब्रेड मिली है, बड़ी ब्रेड मिल ही नहीं पाई। तो मैं क्या करती हूँ, यहाँ पे थोड़ा सा शुगर सीरम लगा दूंगी ताकि ब्रेड नरम रहे। बाद हमें क्या करना है, तो ये जो बिस्किट का बैटर हम लोग बनाए थे इसके ऊपर सेट कर देंगे। इसे अच्छे से फैला लेंगे हम, सब उस स्प्रेड कर देंगे अच्छे से। तो मेरी एक लेयर हो चुकी है, अब मैं दूसरी लेयर करूंगी। फिर से निकाल कर चारों तरफ शुगर सीरम लगा देना है। तो मैंने हल्का हल्का शुगर सीरम चारों ओर लगा दिया है और फिर से कंटिन्यू। धीरे प्लेट को घुमाते हुए चारों ओर बैटर को स्प्रेड कर देना है। सो फ्रेंड्स, अब मैं तीसरी लेयर इस पे कर दे रही हूँ। केक बच्चों को बहुत मजा आएगा खाने में। फिर से वही में तैयार हो जाएगा बिना गैस जलाए। बच्चों को बहुत पसंद आता है और आपको भी बनाने में कोई दिक्कत नहीं होती है। ये झटपट से तैयार हो जाता है दोस्तों। फिर से अच्छे से मिला देना है, चारों ओर फैला लेना है। तो कुछ इस तरह से हमें ब्रेड पे चारों ओर लगा लेना है, अच्छे से इसे कवर कर देना है। क्रीम में इसे हाफ डिवाइड कर ले रही हूँ। तो फ्रेंड्स, यहाँ मैंने बिस्किट की क्रीम लिए हैं, तो इसे हाफ कट कर ले रही हूँ। और फिर क्या करना है, इसे ऐसे फोल्ड कर देना है एंड देन कवर लेके इसे मैं जोड़ देना है। फिर से एक और ले रही हूँ मैं, इसमें जोड़ देना है। तो ये
कुछ इस तरह से ये गुलाब बन जाएगा। तो डेकोरेशन में केक में बहुत ही सुंदर लगता है ये। जैसे मैं देखो वैसे ये गुलाब बन के रेडी हो चुका है। फ्रेंड्स ये देखिए मैं कुछ इस तरह से भी डिजाइन बना ले रही हूँ जो बहुत अच्छा लगेगा। ये देखिए मैंने कुछ यहाँ पे बनाया है। लगता है ये देखने में और बच्चों को बहुत पसंद आता है। सो फ्रेंड्स ये जो मैंने गुलाब बनाया था इसको यहाँ पे रख दिया है। बिना गैस वाला केक बनके रेडी हो चुका है। तो ये रेसिपी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। आपको नेक्स्ट रेसिपी क्या चाहिए ये भी मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। रखें अपना ध्यान। बाय बाय। लव यू लॉट।